लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में असम की सिलचर सीट के लिए भी मतदान हुआ। असम की इस महत्वपूर्ण सीट पर कांग्रेस ने महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी से डॉक्टर राजदीप राय मैदान में हैं। पिछले हफ्ते 14 अप्रैल को कांग्रेस महासचिव और पूर्वी यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने सुष्मिता देव के लिए सिलचर में रोड शो किया और जनता से उनके लिए वोट मांगे। प्रियंका ने अब तक यूपी में ही प्रचार पर ध्यान केंद्रित किया था, लेकिन वायनाड में वे भाई राहुल का साथ देने पहुंची थी। ऐसे में असम में उनके प्रचार पर सवाल उठे तो सुष्मिता देव ने इसे गर्ल पावर करार दिया। हालांकि जानकारों का कहना है कि यहां बात एक महिला के दूसरे महिला का साथ देने से ज्यादा नागरिकता बिल को लेकर उलझन की है और इस वजह से सिलचर का चुनाव कठिन हो गया है। असल में बराक घाटी और सिलचर में रहने वाले हिंदू बंगाली समुदाय के बीच सिटीजनशिप बिल को लेकर मजबूत समर्थन है। वहीं असम के ऊपरी हिस्सों और बचे हुए उत्तर पूर्वी राज्यों में बिल को लेकर जबरदस्त विरोध है। वो इसे स्वदेशी जातियों के लिए खतरे के रूप में देख रहे हैं। कांग्रेस ने काफी विचार मंथन के बाद सिटीजनशिप बिल के खिलाफ पक्ष लिया था। ऐसे में सुष्मिता देव दोनों ओर से मुश्किलों में नजर आ रही हैं। हालांकि सुष्मिता देव को खुद पर यकीन है और उनका दावा है कि वो फिर से जीतेंगी। अब देखना होगा कि उनका यकीन हकीकत में कैसे बदलता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।